ऑल राइट, आज कौन से कंपैरिजन है रजमान? जीटी नियो 2। रियलमी जीटी नियो 2 और इसका साथ में कौन है? OnePlus Nord 2। रुक रुक, अबे पागल क्या कर रहा है भाई, संभाल के एक मिनट, तू भी ना पागल है यार, ऐसा कोई कंपैरिजन होता है क्या? अरे चलना करना भी, मैं देख नहीं, ठीक चल रहा है। टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मजाक के अलावा आज धमाकेदार कंपैरिजन लाया हूँ Realme GT Neo 2 और OnePlus Nord 2 के बीच में। दोनों ही फोन्स काफी डिमांडिंग है और इनकी प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा, जिसके बारे में एंड में बात करेंगे। और हमारे कंपैरिजन वीडियोस पर आपने बहुत प्यार दिया है, आज भी वैसे ही करना, क्योंकि काफ़ी समय बाद हमारे कंपैरिजन वीडियो आया है। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बहुत ही ईजी है, फ्री है, जिससे हमारी बहुत हेल्प होती है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता है, हम बहुत मोटिवेट होते हैं और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन था, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड की। Realme GT Neo 2 आपको 200 ग्राम्स का मिलता है ऑलमोस्ट, और 8.6 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। होल्ड करने पर हल्का सा बल्की लगेगा, लेकिन जो थिकनेस है वो ठीक है, वो इतना माइंड नहीं करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो फ्रेम्स आपको मिलते हैं वो पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन जो बैक है वो आपको ग्लास मिलता है। और यहाँ पर कौन सी प्रोटेक्शन है ये मुझे नहीं पता। इसमें आपको तीन अलग अलग कलर्स मिलते हैं, एक ब्लैक है, ये वाला मेरे पास ब्लू है, और ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है, ऐसा मैट और ग्लॉसी आपको टेक्स्चर इफेक्ट मिलता है, मल्टी कलर है मैं ऐसा बोलूँगा। और साथ में जो ग्रीन वाला है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और वो देखने में इतना प्रीमियम लगता है कि मैंने सीरियसली बहुत कम ऐसे फोन्स देखे जो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जो ग्रीन वाला है एकदम किलर लुक है। और OnePlus Nord 2 की बात करें, 189 ग्राम्स का है, 8.2 mm की थिकनेस पर है। तो जो फॉर्म फैक्टर इसका है और जो थिकनेस है वो बेटर है अगर हम GT Neo 2 से कंपेयर करते हैं। इसमें भी आपको पीछे ग्लास बैक मिलता है, और ये जो ग्रीन वाला मेरे पास है ये नया वाला है, और इसमें दोस्तों थोड़ा सा टेक्स्चर जैसा उन्होंने ग्रिप दिया है, तो होल्ड करने पर थोड़ा सा हल्का लेदर जैसा यहाँ पर फील आता है। और इसके भी फ्रेम्स आपको प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। बाकी डिज़ाइन और बिल्ड के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, फॉर्म फैक्टर ऑब्वियसली OnePlus Nord 2 का बेटर है, लेकिन अगर वो Realme GT Neo 2 का जो ग्रीन वाला उठा लेते तो दिखने में मैं उसके साथ जाऊँगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme GT Neo 2 में आपको Qualcomm Snapdragon 870 5G चिपसेट मिलती है। ये आज की तारीख का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है अगर मैं एंड्रॉयड फोन्स की बात करूँ। मैंने इनफैक्ट इसको Snapdragon 888 से भी बेटर बोला हूँ। वजह यह है कि वो ज़्यादा हीट होता है कहीं कहीं, मतलब अगर कुछ फोन्स ऑप्टिमाइज नहीं होते तो वो हीट हो जाता है, ये चिपसेट ही वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो यहाँ पर कोई हीटिंग इशू आपको नहीं होगा। साथ में ये 7 nm पर है, काफ़ी बैटरी इफिशियंट है, और उसी के साथ बैटल ग्राउंड्स आप इसमें अल्ट्रा पर भी सेट करके खेल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक भी खेलने पर यह ज़्यादा हीट नहीं होता है। इसमें Realme का कुछ एडवांस कूलिंग सिस्टम वगैरह भी उन्होंने यहाँ पर दिया है, तो हमने वो भी सब टेस्ट किया था लॉन्ग टर्म तक भी खेल के, तो ज़्यादा हमको कुछ हीटिंग इशू यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। और ये 5G चिपसेट है, तो आपको इसमें 8 5G बैंड्स भी उन्होंने दिया है, जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। Nord 2 की बात करें तो MediaTek Dimensity 1200 5G चिपसेट, ये भी बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है, और ये 6 nm पर है, स्लाइटली बैटरी इफिशियंट है अगर उसको Snapdragon 870 से कंपेयर करते हैं। और इसमें दोस्तों उन्होंने 6 5G बैंड्स दिया है, तो 2 5G बैंड्स कम है अगर Realme GT Neo 2 से कंपेयर करते हैं। बैटल ग्राउंड्स इसमें भी हमने टेस्ट किया था, वैसे इसमें अनफॉर्चुनेटली आप अल्ट्रा पर नहीं सेट कर सकते क्योंकि वो चिपसेट का सपोर्ट ही नहीं आया है, तो ये उनको करना पड़ेगा। और HDR पर हमने सेट करके खेला था, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म तक खेलने पर ये थोड़ा सा हीट होता है। हमने ये टेस्टिंग किया है, इसमें भी ये ग्रीन वाला तो अभी हमने भेजा है OnePlus ने, इसके पहले वाला भी जो पड़ा हुआ है उसमें भी, वो तो हमने खुद परचेज किया था, तो दोनों में मुझे ये चीज़ दिखाई दी। तो हालांकि चिपसेट हीट नहीं होती है, चिपसेट अच्छी है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का सीन है। तो जब मैंने इसमें जितने बार भी लॉन्ग टर्म तक गेम खेला हो तो ये थोड़ा स्लाइटली हीट होता है दूसरे फोन से, और Realme GT Neo 2 के सामने तो ये थोड़ा हीट हो रहा था। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर एकदम टॉप नॉच मिलती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, GT Neo 2 में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली एक बड़ी AMOLED डिस्प्ले मिलती है। ये E4 AMOLED डिस्प्ले, यानी कि नॉर्मल AMOLED से थोड़ी ज़्यादा बैटरी इफिशियंट होती है और ज़्यादा ब्राइट होती है। इसके लिए इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो अप टू 1300 nits की है। आउटडोर विजिबिलिटी एकदम ज़बरदस्त होती है, और वीवी एंगल्स भी काफ़ी कमाल के थे। वैसे HDR 10 प्लस वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, और साथ में Gorilla Glass 5 की भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको काफ़ी कमाल का मिलता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलती है, डिस्प्ले बहुत स्मूथ चलता है, और 600 निट्स की आपको उस पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। ये फिलहाल के लिए इंडिया का पहला फोन है इतने हायर टच सैम्पलिंग रेट के साथ। और नॉर्मली दोस्तों जब आप ऐप ओपन क्लोज वगैरह करते हैं ना, वो फील होता है, वो दिखता है कि बहुत ही हाई आपको टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पर मिलता है। OnePlus Nord 2 की बात करें तो 6.43 इंच की आपको फुल HD प्लस वाली
इधर भी एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर भी आपको Gorilla Glass 5 है, यहाँ पर भी HDR 10 Plus वगैरह आपको मिलता है और इसकी भी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो अच्छी है, तो यहाँ पर भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो अपटू 600 nits की है। तो हमने जब टेस्ट किया था तो दोनों की ब्राइटनेस वैसे इंडोर में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आउटडोर में थोड़ा फर्क था। तो GT Neo 2 आउटडोर में बेटर ब्राइटनेस देता है जब हमने इसको Note 2 से कंपेयर किया। वैसे इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाती है स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आपका डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ चलता है, लेकिन अगर आप 120 हर्ट्ज और 600 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, GT Neo 2 में Realme UI 2 है, Android 11 है और इसमें बड़ी ही जल्दी Realme UI 3 और Android 12 आपको मिलेगा। और सॉफ्टवेयर से पहले भी और अभी भी मुझे Realme के इतने कंप्लेंट्स नहीं होते, थोड़ा बेटर होता है। और साथ ही साथ OnePlus Nord 2 में दोस्तों आपको Oxygen OS 11 मिलता है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें भी बड़ी ही जल्दी आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। लेकिन दोनों में दोस्तों सॉफ्टवेयर की अगर कंपैरिजन की बात करें तो यस, Oxygen OS स्लाइटली बेटर होता है क्योंकि थोड़ा बहुत अलग ही आपको फीचर मिलते हैं। वैसे इसमें कलर ओएस का इंटीग्रेशन है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें अब कलर ओएस जैसी लगती है, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैंने Realme UI से जब कंपेयर किया तो कैमरा का इंटरफेस वगैरह हो, सेटिंग्स वगैरह हो, तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हाँ, बाकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों में अच्छा है, लेकिन Oxygen OS स्लाइटली बेटर है, ये मैं जरूर कहूंगा। रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो दोनों में आपको UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम सपोर्ट दोनों में है। वैसे ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग दोनों एकदम स्मूथ चलते हैं, कोई इशू नहीं था। बस Realme GT Neo 2 में मुझे इसका जो टच था वो थोड़ा और ज्यादा बेटर लगा था, तो ये थोड़ा और स्मूथ था, ये मैं जरूर ऐड करूंगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे, दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, दोनों ही काफी फास्ट और एक्यूरेट है। लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा एक और इंटेंस टेस्ट करते हैं, हमने ऑयल से ट्राई किया, थंब पर लगाया और जब हमने GT Neo 2 में टेस्ट किया तो ये तीनों बार में ओपन हो गया, जो मुझे सरप्राइजिंग लगा। OnePlus Nord 2 पर भी हमने वैसे किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इशू हो गया स्टार्टिंग में, बाद में लेकिन अनलॉक हो गया। तो इस मामले में देखा जाए तो GT Neo 2 ऑयल लगाने के बाद भी फिंगर पर अनलॉक हो जाता है। बैटरी की बात करते हैं, GT Neo 2 में 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और आपको 65 वाट एडाप्टर बॉक्स में दिया है जो इसको अराउंड 35-36 मिनट्स में फुल चार्ज करता है। हमने एक बार टेस्ट किया था उसको फुल ड्रेन करके, तो 36 मिनट के आसपास इसने फुल चार्ज कर लिया था, विच इज़ नॉट बैड कि एक बड़ी बैटरी है और उसको वो आधे घंटे के आसपास फुल चार्ज करता है। और इसकी जो बैटरी बैकअप है दोस्तों वो अच्छा है, एक से डेढ़ दिन पूरा चलता है। हमने इसमें गेम्स खेला, फोटोज लिया और सिम कार्ड भी लगाकर मेरे भाई ने एयरटेल का वगैरह डाल के टेस्ट किया, ट्विटर यूज़ कर रहा था थोड़ा, तो पूरा दिन यूज करने के बाद हैवी गेम को छोड़कर मेरा मिक्स्ड यूसेज है, तो एक से डेढ़ दिन पूरा आपको बैकअप मिलता है, जो अच्छी बात है। Note 2 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, थोड़ी कम है Realme GT Neo 2 से कंपेयर करें तो, लेकिन चार्जिंग सेम है 65 वॉट और ये आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, 30-31 मिनट में फुल चार्ज होता है, वो भी ज्यादा इतना नहीं बोला जाए लेकिन 4-5 मिनट ही ज्यादा है अगर GT Neo 2 से कंपेयर कर ले। और इसमें दोस्तों बैटरी बैकअप ठीक है, मैं GT Neo 2 को स्लाइटली बेटर बोलूंगा, इसका भी वैसे पूरा दिन चल जाता है, कोई इशू नहीं है, आराम से चलता है। ये तो ग्रीन वाला अभी आया है जो हमें OnePlus नहीं भेजा है, वैसे जो उसके पहले वाला वेरिएंट है जो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है वो हमने खूब यूज़ किया है खूब, तो बैटरी अच्छी चल जाती है एंड ऑफ द डे तक। लेकिन कंपेयर टू GT Neo 2 मैं कहूँगा ये थोड़ी कम है, GT Neo 2 बैटरी बैकअप आपको बेटर मिलती है। फाइनली कैमरा की बात करेंगे तो GT Neo 2 में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, सैमसंग GW1 सेंसर है, मैक्स 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको EIS यहां पर मिलता है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, फिर 2 मेगापिक्सल का वो मैक्रो वगैरह दिया है या मोनोक्रोम नहीं मैक्रो मिलता है जिसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं और आपको EIS मिलता है। और कैमरे में दोस्तों देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिया है जिसके साथ आप जाके छेड़छाड़ कर सकते हैं। Note 2 की बात करें तो 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, यहाँ पर सोनी IMX766 सेंसर है जो कि अच्छी बात है, और साथ में आपको यहाँ पर मैक्स 4K वीडियो मिलता है और इसमें आपको कैमरे में OIS मिलता है जो हार्डवेयर में होता है, जो अच्छी बात है, और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और इसमें 2 मेगापिक्सल आपको मोनोक्रोम मिलता है जिसकी जरूरत नहीं थी। वैसे यहां पर 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, फुल HD वीडियो आप मैक्स शूट कर सकते हैं, और इसमें भी कैमरे में देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कलर वेस का इंटीग्रेशन है, तो ज्यादातर वही फीचर्स है जो आपको Realme GT Neo 2 में देखने को मिलता है। अब फोटोज की बात करते, सबसे पहले दिन की बात करें तो दोनों में दोस्तों अगर पहले नॉर्मल शॉट लेते तो आप देखेंगे फोटोज काफी अच्छे थे, स्काई देखेंगे प्रॉपर ब्लू यहां पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, डायनामिक रेंज वगैरह मुझे सब कुछ बढ़िया लगा, शार्पनेस भी मुझे यहां पर दोनों में ही अच्छी लगी थी। हालांकि कहीं कहीं स्लाइटली सेंसर के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो OnePlus की शार्पनेस थोड़ी बेटर थी, बाकी दिखने में अगर आप देखोगे
तो दोनों में फोटोज काफी अच्छे थे। बुके शॉट्स भी देखेंगे तो दोनों में आपको बढ़िया बुके शॉट्स मिलते हैं। शार्पनेस दोनों की अच्छी थी, हालांकि रियलमी कहीं कहीं थोड़ा सा वार्मर साइड पर चला जाता है और वन प्लस के फोटोज थोड़े से नेचुरल मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स में थोड़े से फर्क आ गए, रियलमी थोड़ा ज्यादा वार्म साइड पर था, वन प्लस थोड़ा सा नेचुरल साइड पर था, लेकिन फोटोज दोनों के बहुत ही अच्छे थे, डायनामिक रेंज दोनों का ही अच्छा था। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम करता हूं तो Realme GT Neo 2 में जो एज डिटेक्शन है वो बढ़िया थी, जबकि OnePlus Nord 2 में एज डिटेक्शन में इश्यूज थे और ये थोड़ा चीप लगता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने इतना अच्छा सेंसर दिया है, फोटोज अच्छे आ रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन आपको बढ़िया करनी चाहिए थी। सेल्फी दोनों में आपको वैसे अच्छी फोटोज मिल जाते हैं, मैंने अगर देखा जाए तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। बोके शॉट्स देखेंगे, डायनामिक रेंज सब कुछ बढ़िया था। हाँ, बस OnePlus Nord 2 का फर्क यह था कि जब आप थोड़ा जूम करते तो शार्पनेस यहाँ पर ज्यादा थी, क्योंकि ये 32 मेगापिक्सल है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फोटोज दोनों के इक्वली अच्छे थे। वीडियो की बात करेंगे तो ये दोस्तों दोनों में फुल HD मैंने वीडियो शूट किया 30 FPS पे और यहाँ पर क्वालिटी दोनों की अच्छी थी। रियलमी हल्का साइड पर था, OnePlus थोड़ा नेचुरल साइड पर था, और उसी के साथ अगर ऑटो फोकसिंग की बात करते तो दोनों में ऑटो फोकसिंग मुझे अच्छी लगी थी। मैंने दो बार टेस्ट किया और दोनों ही सब कुछ बढ़िया तरीके से ऑटो फोकस हो गए थे। और बाद में स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहां पर फर्क था, OnePlus Nord 2 बेटर था क्योंकि इसमें OIS है और Realme GT Neo 2 में देखे तो थोड़ा सा फ्लिकरिंग था, यही एक फर्क होता है OIS और EIS के बीच में। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो Nord 2 आपको रियर में बेटर मिलता है। सेल्फी वीडियो देखेंगे तो पहला हमने विदाउट स्टेबलाइजेशन लिया था और क्वालिटी वैसे देखा जाए तो दोनों में इक्वल था, मतलब मेजर डिफरेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। और फिर हमने बाद में स्टेबल भी ट्राई किया तो स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में अच्छी थी, दोनों में EIS था सेल्फी में, तो क्वालिटी अच्छी है, मुझे यहाँ पर भी कोई फर्क नजर नहीं आया। रियर अगर नाइट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में अच्छे फोटोस आ जाते हैं। OnePlus कभी कभी थोड़ा ज्यादा ब्राइट फोटोस लेता है, Realme थोड़ा सा नाइट में थोड़ा चेंज हो गया, मतलब थोड़ा नेचुरल था। और ये वाला भी अगर आप फोटो गौर से देखते हो इस बिल्डिंग पर तो Nord 2 थोड़ा सा हिचकिचा गया, जबकि Realme ने मतलब काफी नेचुरल मेंटेन किया था, नॉइस काफी कम थी। तो ऐसी कुछ कुछ जगहों पर मुझे नाइट में ना देखा जाए तो Realme ने मुझे लगा बेटर परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ अगर सेल्फी नाइट देखते तो यहां पर भी कहीं कहीं जगहों पर मुझे लगता है कि Realme ने बेटर किया, हालांकि थोड़ा वार्म था लेकिन फोटोज OnePlus के नाइट में इतने अच्छे नहीं थे जो मुझे यहाँ पर रियलमी में अच्छे लगे। वैसे वीडियो देखेंगे, नाइट में हमने ये लिया है तो इसमें भी देखेंगे तो क्वालिटी दोनों में अच्छी थी, बस वही बात है कि OnePlus में OIS से थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता है और साथ में स्टेबलाइजेशन यहाँ पर बेटर थी। और अगर सेल्फी वीडियो की बात करें तो सेल्फी वीडियो दोनों में आपको अच्छी मिलती है, यहाँ पर बस रियलमी ऑटोमेटिकली ब्यूटी मोड लगा देता है, मैंने कोशिश किया उसको ऑफ करने की लेकिन नहीं हो रहा था, तो वहां पर उसका वो एक फर्क था। बाकी इक्वली अच्छे खासे नाइट वीडियोस अगर देखा जाए तो दोनों में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर, मेरा सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस वीडियो का, एक क्लियर विनर उठाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब फोन्स दोनों अच्छे होते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले बात करते हैं प्राइस की, Realme GT Neo 2 8120 32,000 से स्टार्ट होता है और सेल पर ये बहुत नीचे आ जाता है, अगर आप सेल पर ट्राई करेंगे तो इफेक्टिव प्राइस और भी कम हो जाएगी। और OnePlus Nord 2 30,000 का 8128 है, दोनों का मैं 8128 कंपेयर करके बता रहा हूँ, इसका बेस वेरियंट भी है लेकिन वो लापता है, कभी मिलता है 6128 वाला, कभी नहीं मिलता है, तो बेटर रहेगा मैं 30,000 वाली ही बात करूंगा, तो ये 2,000 कम में आपको थोड़ा मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों फीचर्स के हिसाब से तो ऑनेस्टली Realme GT Neo 2 मुझे थोड़ा बेटर लगा है, डिस्प्ले बेटर है, परफॉर्मेंस स्लाइटली मैं बोलूंगा 870 को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा अगर मैं उसको Dimensity 1200 से कंपेयर करूं, और ये थोड़ा कम हीट होता है, कूलिंग सिस्टम वगैरह है तो वो भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, ये हमारे इनिशियल टेस्ट उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में कैमरे में भी मुझे लगा था कि OnePlus जो है वो बहुत ज्यादा आगे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया एज डिटेक्शन का इशू था यहाँ पर, तो फोटोज तो वो अच्छे लेता है दिन में, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, तो दिन में ठीक है लेकिन नाइट में अच्छे फोटोज लेता है ये OnePlus से, ये मैं कहूंगा। बैटरी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है 5000mAh की, और चार्जिंग भी वैसी ही आपको मिलती है, और उसी के साथ थोड़े बहुत ज्यादा 5G बैंड से, और दिखने में प्रीमियमनेस है, जो ग्रीन कलर लेते हैं तो वो थोड़ा और भी ज्यादा एडवांस लगता है। और साथ ही साथ OnePlus Nord 2 की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर तो पहले बहुत अच्छा है और दिखने में ये भी वैसे अच्छा है, बस साथ में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका थोड़ा बेटर होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन ओएस पर चलता है, और उसी के साथ कैमरा स्लाइटली बेटर है दिन में अगर आप उसको रियलमी से कंपेयर कर लो, बाकी बैटरी के मामले में थोड़ा ये पीछे हो जाता है, और उसी के अलावा डिस्प्ले में थोड़ी कम हाई रिफ्रेश रेट है, और परफॉर्मेंस जो है वो इसमें भी एकदम आपको तगड़ी मिलती है। तो अगर आप 2,000 रुपये ऊपर डालते या अगर आप इसको 30,000 के नीचे भी ले लेते तो मैं ऑनेस्टली कहूँ GT Neo 2 स्लाइटली बेटर ऑप्शन है अगर आप उसको OnePlus Nord 2 से कंपेयर करते हैं। और हाल ही में तो आपको पता है इसका क्या सीन चल रहा है, तो ये धमाके हो रहे हैं आजकल, तो मैं उस मामले में भी थोड़ा सा रुक गया हूँ कि रेकमेंड करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए, कल को कुछ हुआ था बोले कि टेक्नोलॉजी ने बोला था कि भाई ले लो,
तो वो भी सोच समझ के हमें बोलना पड़ता है। हाँ, तो ये मेरी ओपिनियन है दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। ऐसे और इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस आपके लिए लाते रहेंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोनों फोन्स के बारे में, वो कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।